नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। अब यहाँ पर यूपी की राजनीति में फिर दोबारा एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर दोबारा एक विवादित बयान सामने आया है। और इस बार भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना बयान दिया है, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि एक कार्यक्रम में वो गए और जहां पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आए कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना ने नहीं बल्कि हिंदू महासभा ने करवाया था, जहां पर वहां के जो वीर सावरकर हैं वो बाकी अन्य लोगों का नाम यहां पर लेते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले आपको वो क्लिप दिखाते हैं जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की बातें करते हुए और अपना विवादित बयान देते हुए नजर आए। भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन है। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, उन्होंने किया था। तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के माध्यम से नहीं बैठा, भारत पाकिस्तान इसलिए बैठा था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के दो राष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बंटवारे में विवादित बयान देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अब उनका विरोध होना भी शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता लगातार अपनी प्रतिक्रिया इस मामले पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी हिंदू धर्म को लेकर कई विवादित बयान यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए हैं और यहाँ तक कि उनको पार्टी से बाहर निकलने की भी नौबत आ गई थी, लेकिन अभी भी उनके ये विवादित बयान नहीं रुके हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर हिंदू धर्म होता तो सभी को बराबरी का दर्जा मिलता, हिंदू राष्ट्र की मांग भी संविधान विरोधी है और ऐसा करने वाले देशद्रोही हैं। यानी देखा जाए तो किस तरीके से आजकल जो चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र और ये सब इन सब की मांग चल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर भी कड़ा निशाना यहाँ पर हिंदू धर्म पर साधा है। और अब जमकर इस पूरे बयान का जो है विरोध चल रहा है और बीजेपी के नेता सामने आकर इसका विरोध कर रहे हैं और फिर दोबारा ये आवाज़ उठने लगी है कि अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाल देना चाहिए, वरना यहाँ पर यूपी की जो राजनीति है इसी तरीके से बिगड़ती रहेगी और स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान सामने आते रहेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।